बड़ा अफसोस की बात है कि जो सिचुएशन यहाँ पर तैयार हुआ है, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के अंदर एक बात हमको समझ में आई जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि क्या कांग्रेस, क्या राष्ट्रवादी, क्या सेना, क्या भाजपा, इनके रंग साफ अब नज़र आ रहे हैं। ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये हम बी टीम है, अब ये किसकी ए टीम है करके ये साफ तरीके से अब सामने आ गया है मामला। तो हमारे ऊपर ये जो उंगलियां उठाई जाती थी, अब उनको यही जवाब देना पड़ेगा। हमारे ऊपर तो ये आरोप लगाते थे कि एक आमदार को हमने चुराए, तो पूरी सरकार बनाने के पीछे लगे हुए थे। एक चीज़ समझ में आ रही है कि सत्ता के लिए अब कोई आइडियोलॉजी रही नहीं है, कोई उसूल नहीं रहे है, कोई आदर्श नहीं रहा है, बस सत्ता में आने के लिए जो कोशिश चल रही है हम तमाशा बनकर देखते रह रहे हैं कि क्या होता है। विश्वास रहो कि ये नतीजा आया तो उस वक्त कांग्रेस की प्रक्रिया आई कि उन्होंने उसका स्वागत किया है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि इस मुल्क के सेक्युलर फैब्रिक को अगर कोई एक घटना ने कमज़ोर करने का काम किया था तो वो बाबरी मस्जिद की शहादत थी। और ये शुरू मामला उस वजह से हुआ कि जब राजीव गांधी साहब वहाँ पर जो ताले खोले थे उसी के बाद से है तो ये मामला हुआ था। अगर वो ऐसी हरकत ना करते तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिला होता। लेकिन उसके बावजूद भी असद साहब ने साफ किया है, अपने साफ तरीके से उन्होंने ये बताया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा हम उसको मानेंगे। इसीलिए हमने ये कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन जो हमको दी जा रही है वो ज़मीन हम क्या करेंगे उसमें, आप कांग्रेस को दे दीजिएगा, कांग्रेस वहाँ पे भव्य भवन बनाना और बताना लोगों को कि यहीं से हमने तो इस मुल्क को तोड़ने का काम की शुरुआत की थी, इसका आगाज़ जो है हमने किया था और इसको अंजाम तक पहुँचाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो दोनों भी वहाँ पर खुशी खुशी एक दूसरे को देखते रहेंगे, हमारा यही कहना था। रेलवे चीज़ ये हो सकती है कि ये मीटिंग में बहुत सारे खासदारों ने, एमपीज़ ने ये बताया है कि साहब ये मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद है तो डिमांड्स पुट अप किए जाते हैं लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं होता। इसीलिए जब मैंने बोलने की शुरुआत की तो मैंने साफ शब्दों में ये कह दिया हूँ कि अगर इस बार बजट के अंदर अगर मराठवाड़ा को कुछ नहीं मिलता है तो हम पूरे मराठवाड़ा के अंदर आंदोलन चलाएंगे। हम रेल रोको एजुटेशन है तो पूरे मराठवाड़ा के अंदर करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कौन राजनीतिक पार्टी है। तमाम एमपीज़ ने इसके बाद है तो यही इशारा दिया प्रशासन को कि अगर सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलेगा तो थोड़ी सी टेढ़ी इस बार करेंगे। लेकिन मराठवाड़ा के साथ जो नाइंसाफी और एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट या सौतेलापना जो दिखाया जा रहा है रेलवे प्रशासन की तरफ से, उन्हें ठीक करने के लिए जो भाषा उन्हें समझ में आती है वो भाषा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा मांग जितने भी एमपीज़ थे सबकी यही थी, हमारी भी यही मांग थी कि मुंबई के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए करके। सभी लोगों ने इस बात के ऊपर चर्चा किए है और बहुत ज़ोर देकर इस बात का डिमांड किया गया है कि औरंगाबाद से विशेष गाड़ी चलाई जाए, नांदेड़ से विशेष गाड़ी चलाई जाए, वो मुंबई को कनेक्ट करते हैं। दूसरे शहरों की भी हमने मांग किए है लेकिन मुंबई की सबसे ज़्यादा ये है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस बार है तो कुछ ना कुछ तो भी अच्छी खबर देंगे करके। उसके अंदर बहुत बहुत शुक्रिया।